मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 के हिंदी व्याकरण के पहले अध्याय को पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला अध्याय है भाषा, व्याकरण तथा लिपि। उपरोक्त चित्रों में अभी तथा देवांश परस्पर बातचीत कर रहे हैं, इसके लिए वे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, अतः अपने विचारों या भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। यद्यपि पशु पक्षी भी अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, जैसे भौ भौ, काँव काँव, ची ची, गुटरगु, परंतु यह भाषा नहीं है, क्योंकि ये शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। भाषा के लिए शब्दों का होना आवश्यक होता है। भाषा के रूप, भाषा के तीन रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। पहला मौखिक भाषा, भाषा के मौखिक रूप में हम बोलकर, सुनकर या परस्पर वार्तालाप करके अपने विचार व्यक्त करते हैं तथा दूसरे विचारों को जान पाते हैं, जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, चीनी का क्या भाव है। दूसरा लिखित भाषा, लिखित रूप में हम लिखकर या पढ़कर परस्पर अपने विचार प्रकट करते हैं। पत्र, समाचार पत्र, ईमेल आदि भाषा के लिखित रूप होते हैं, जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, मुकुल अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य कर रहा है। तीसरा सांकेतिक, सांकेतिक भाषा में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसे संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। खेलों के रेफरी व एम्पायर, यातायात सिपाही, मुखबधिर लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारी भाषाएं, संसार के विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख देशों की भाषाएं इस प्रकार है, देश भाषा, देश भाषा, तो इसमें दे रखा है देश और उसकी भाषा, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजी, फ्रांस फ्रेंच, अमेरिका अमेरिकन अंग्रेजी, स्पेन स्पेनिश, नेपाल नेपाली, जर्मनी जर्मन, जापान जापानी, रूस रूसी। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। भारत के कुछ राज्यों की भाषाएं इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश हिंदी, तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक कन्नड़, उत्तराखंड गढ़वाली, ओडिशा उड़िया, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, बिहार बिहारी, दिल्ली हिंदी व पंजाबी, पंजाब पंजाबी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, हरियाणा हिंदी, राजस्थान राजस्थानी, बंगाल बांग्ला, कश्मीर कश्मीरी, असम असमिया, केरल मलयालम, गोवा कोंकणी। हमारे देश की राजकीय भाषा है हिंदी। व्याकरण, जिस प्रकार प्रत्येक खेल के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार भाषा के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सीख पाते हैं, जैसे अंकुर तुम हो रहे कहाँ से, तो इसका क्या है, तुम कहाँ से आ रहे हो। प्रशांत तुम क्या कहना चाहते हो, तो प्रशांत मैं टहल कर आ रहा हूँ। उपरोक्त बातचीत में ये जब पहले प्रश्न में अंकुर ने अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया तो प्रशांत समझ नहीं पाया, परंतु जब दूसरे प्रश्न में अंकुर ने शुद्ध भाषा का प्रयोग किया तो प्रशांत उसका आशय आसानी से समझ गया। अतः भाषा को समझने के लिए उसके नियमों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। भाषा के इन नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। अतः भाषा के नियमों का ज्ञान प्रदान करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। लिपि, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है, ये चिन्ह ही उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। नीचे हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं की लिपियां दर्शाई गई है, हिंदी में क ख ग, अंग्रेजी में ए बी सी। कुछ भाषाओं की लिपि एक समान होती है, जबकि कुछ की लिपि अलग होती है, जैसे हिंदी संस्कृत व नेपाली की लिपि एक ही होती है, इसे देवनागरी कहते हैं, जबकि उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है। कुछ भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार होती है, हिंदी संस्कृत नेपाली मराठी देवनागरी लिपि, फ्रेंच जर्मन अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी अरबी अरबी, पंजाबी गुरुमुखी। धन्यवाद।